दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है और इसका आंसर हमेशा एक ही आया है। देखिए ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पे, और इसको हम इंग्लिश में भी देखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो इन्होंने जो आंसर दिया है, आंसर 3 C दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे दिया है। अब हम आगे देखते हैं यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, डिट्टो कॉपी। ये देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। यहाँ पे इन्होंने आंसर सी दिया है, निरूपण। निरूपण का इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है डेमोन्स्ट्रेशन, सी यहाँ पे दिया है। और आगे हम देखते हैं यही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पे, और इसका जो हिंदी में आंसर दिया है यहाँ पे आंसर नंबर बी, ये देखिए निदर्शन विधि है, और इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे इन्होंने आंसर जो दिया है बी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग एप्टीट्यूड में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों अब हम जानते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और टॉपिक है जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए मेथड ऑफ टीचिंग में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मेथड ऑफ टीचिंग काफ़ी तरह के होते हैं दोस्तों, ये हमने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल आसानी से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में दोस्तों हमने पहले वीडियो भी बना रखे हैं, उसके अंदर हमने जितने भी मेथड ऑफ टीचिंग है वो सभी अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। और इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मेथड ऑफ टीचिंग में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों निदर्शन विधि, और निदर्शन को जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इंग्लिश में इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, यानी कि डेमो करके किसी को हम दिखाते हैं स्टूडेंट को, जिससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है टीचिंग को। तो ये जो है शिक्षण की काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है, और इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे आगे दिखाने वाला हूँ। और आगे देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है टीचिंग मेथड में से। ये देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इन्होंने दोबारा 45 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया दोस्तों निरूपण। अब देखिए दोस्तों हिंदी के अंदर एक ही नाम को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम एक नाम को एक ही तरीके से बोलते हैं। देखिए जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए किसे क्या कहते हैं, अगर आपको नेट और JRF क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि हिंदी के जो नाम है दोस्तों वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, यानी कि किस मेथड के अंदर
जो स्टूडेंट है ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, ज़्यादा घुल मिलते हैं, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है आंसर नंबर बी, निदर्शन पद्धति यहाँ पे दी है। निदर्शन का मतलब भी दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंग्लिश हिंदी में दिए हुए हैं। दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी में दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज़ पॉसिबल थ्रू, यहाँ पे इन्होंने आंसर नंबर बी दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दिया है। तो दोस्तों हमें सभी मेथड के बारे में पता होना चाहिए अगर हमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। और इसके लिए दोस्तों आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाते हैं, उसमें हम आपको ओल्ड पेपर देते हैं और जितने भी स्टडी नोट्स हैं पेपर फर्स्ट के वो हम आपको देते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं हम यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। और दोस्तों मैंने काफ़ी तरह की वीडियोस बना रखे जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा अब रिपीट हुआ है, जून 2019 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर रिपीट हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों करने चाहिए ओल्ड पेपर। ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो मिलान करने वाला क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे इन्होंने सभी विधियाँ दे दी, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोजन विधि, सहयोगात्मक विधि, यहाँ पे हमें इनको मिलान करना है। और दोस्तों इन सभी विधियों के बारे में मैंने आपको पीछे एक वीडियो में अच्छे तरीके से बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से आगे रिपीट हुआ है। और मैं आपको बता रहा था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप पेपर सेकंड भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर कीजिए दोस्तों, अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 1 मिनट, ये है, हाँ ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखिए, सहकारी विधि, सहयोगात्मक विधि, और यहाँ पे देखिए टीम शिक्षण आ गया, रचनात्मक विधि आ गया, ठीक है, ये सारी विधि यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये नोट्स है, यहाँ पे इन्होंने हमने बताया हुआ है समूह शिक्षण क्या होता है, व्याख्यान विधि कौन सी होती है, और काफ़ी तरह की विधियाँ हमने यहाँ पे बताई हुई है, सारी विधियाँ यहाँ पे हमने बताई हुई है। तो ये देखिए, जैसे समूह शिक्षण आ गया और व्याख्यान प्रदर्शन विधि आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप हमारी पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये सारी जो विधियाँ है हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता रखी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर हमें ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में से पता चल जाए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो दोस्तों हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें से। दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन 2012 से ले दोस्तों हमने देखा ये क्वेश्चन 2013 से लेके दिसंबर दो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ये क्वेश्चन 2013 से लेके दोस्तों हमने देखा ये दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन 2013 से लेके जून 2019 तक रिपीट हुआ है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, दिसंबर 2019 में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है, जून 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आप टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना। और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल निमीजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।